नहीं नहीं मॉडिफाई नहीं, ये आती ऐसी है। कौन सी है? ये है जी मिनी, ये BMW की एक और गाड़ी है ऐसी। कैसी लगी आपको? बेट लगी तो भी मैं आपको तो मॉडिफाई करा रखी है। नहीं नहीं ये आती ही ऐसी है। सो वी आर फाइनली हियर, वी आर एट द तनोट माता मंदिर एंड ये देखो ऐसा हो जाता है। तो भैया हमें बुला रहे हैं, उनको एक बार मैं गाड़ी दिखाया हूँ, उनको गाड़ी बड़ी ज्यादा पसंद आ गई है। तो मिनी का ना उनको लगा कि मॉडिफाइड है। हाँ, ही थॉट कि कोई छोटी मोटी गाड़ी है जिसको मॉडिफाई कराया हुआ है। तो पहली बार देखी उन्होंने, यार एंटी की चीज दिखा मैंने। बंदा भी एंटी की है वैसे, छोटी है ना तो लोग सोचते हैं दूर आ नहीं सकते। हमारे यहाँ दिल्ली से पूरी दो फैमिली गाड़ी के अंदर और दो सामान आपकी चल रही है वीडियो। बस रिक्वेस्ट है, सेंड कर दो मेरे पास, सेंड कर दो, सेंड कर दे, कर दो मेरे पास एक। बिल्कुल अभी बताते, अभी बताते हैं। पर लगी कैसी, दो तारीफ तो कर रहे हो। एंटीक पीस है, एंटीक पीस है, देखा नहीं मैंने अब तक। अच्छा फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ना, फिर मैंने सोचा मैं मॉडिफाई है क्या है। चलिए हमें अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। बेटर है, अच्छा मोट बेटर बेस्ट है। अच्छा अरे वाह, थर्ड फॉर्म आ गई है। अरे वाह, थैंक यू जी, थैंक यू। तो इनको बहुत पसंद आई है। सो वी आर एट तनोट माता मंदिर एंड हमें 7 दिन आई है वन गोट। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, आई थिंक 1971 की ही बात है, तो इस मंदिर के पास 3,500 बम गिराए गए थे। वो फटे नहीं, आज भी वो लाइव है, शायद अंदर डिस्प्ले पे होंगे, क्योंकि जब वो फटे नहीं थे तो उसको करना ही कुछ नहीं था, तो वो ऐसे के ऐसे डिस्प्ले में रखे हुए हैं अंदर। अब वो जैसा भी है अंदर चल के देखते हैं, अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं पता नहीं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड उसके बाद हम एक बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं, बॉर्डर देखने। हमें परमिशन मिल गई है, वी गॉट द परमिशन टू विजिट द बॉर्डर पोस्ट 609। सो वी आर वेरी लकी। यस लेट्स गो। Finally we are here. This is I think the closest कोई पाकिस्तान बॉर्डर के आ सकता है, राइट? क्योंकि वाघा बॉर्डर भी ऐसा नहीं है सर। हाँ नहीं नहीं है, मैं नहीं गया। वो भी ऐसा ही है, वो तो बल्कि इससे भी क्लोज है। नहीं, वो बना हुआ है। वो तो सिर्फ हाँ एक डोर है, डोर तक जा सकते हो। हाँ मतलब डोर तक आप नहीं जा सकते, बीच में वो मार्च वगैरह होती है। वो तो एक इंटरैक्टिव पॉइंट है। हाँ 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 राइट, दिस इज द एक्चुअल बॉर्डर, हाँ जहाँ पे इंसान खड़ा हो के देख सकता है। यस यस, दिस इज ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर फ्रॉम तनोट माता मंदिर। छोटा सा व्हाइट कलर है पिलर नंबर 609 है, वहाँ तक इंडिया है, उसके आगे उसके आगे। What do you have to say about the road, madam? क्या जबरदस्त गाड़ी है और क्या जबरदस्त रोड है। पूछा रोड बता रही है गाड़ी। मतलब गाड़ी भी इतनी बढ़िया और ऊपर से सड़क भी इतनी बढ़िया। क्या कह रहे हो? चाइल्डहुड प्रॉब्लम सर, चाइल्डहुड प्रॉब्लम। अभी तक जहाँ भी ट्रैवल किया सबसे बेस्ट रोड, बेस्ट राजस्थान की रोड। गुड जॉब राजस्थान गवर्नमेंट। सारे सब देखो तो सही, देखो एक बार क्या नेक्स्ट स्टॉप लोंगे वाला युद्ध स्थल। अब हमने मतलब मेरे ख्याल से ये लास्ट पॉइंट था, बेसिकली हम आए इसके लिए थे तनोट माता मंदिर, और पोस्ट का तो हमें था ही नहीं कि हम पोस्ट पे जाएंगे, बट फॉर्चुनेटली हमारे साथ अच्छा हुआ हम पहुँचे। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे टैंक खड़ा है यहाँ पे, एक टैंक है, एक टैंक पीछे मेरे दिखाऊंगा आपको वहाँ पे खड़ा है। तो उस टैंक पे, इसी टैंक पे अगर आप नज़र डालोगे ना तो यहाँ पे ये देखो ये फ्लैग है ना, ये इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड फ्लैग्स का ये मतलब होता है, अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो इंडिया ने जब कोई भी जैसे टैंक कैप्चर किया ना तो ये इन्वर्टेड फ्लैग लगाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एंड भाई साहब मिनी के मज़े तो इस बार मैडम ने लिए हैं, कैसी रही राइड? यार क्या मतलब, सड़क ही एकदम चुम्मा सड़क बनी हुई है यार, एकदम ही बढ़िया। और ऊपर से भाई जो पावर इस गाड़ी में है उसके साथ अगर आपको सड़क अच्छी मिल जाए तो यार सोने पे सुहागा होगा। जैसे जैसे मैडम बात कर रही है पीछे लोग तेरी गाड़ी को नजर मार रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे व्यूज है। हाँ। गाड़ी को देखते हुए लोग अच्छा लगता है यार, ऐसे मैं बाइक के साथ होता था मुझे नहीं पता था लोग कार के लिए भी इतना क्रेजी हो सकते हैं। देख इट्स मिनी कूपर। पाकिस्तान
ध्यान से कैप्चर्ड है, ये वाली और ये वाली, और ये वाली चाइनीज राइफल। ओके 7.92 mm मशीन गन, ये टैंक के ऊपर लगती है, टैंक के ऊपर लगती है, जो पाकिस्तान की टैंक है ना उनके ऊपर लगी है। ओके जो आप देख के आए होंगे वो बोलर 639 है, 609 ना, तो इधर क्या है 630 है, इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस करके आए हैं वो, और हमारे लोग सिर्फ इतने ही थे, हमारे लोग इधर बैठते थे लोंगेवाड़ा में, वो हमारे से 15 किलोमीटर आगे आ गए थे हिंदुस्तान में, आगे मतलब 15 अंदर आ गए थे, उसके बाद लोंगेवाड़ा में लड़ाई हुई। तो अब जो फेंसिंग हुई है वो ये है, वो ग्रीन वो है। अच्छा वो ग्रीन पहले भी वही थी, वो वहाँ से अंदर आ गए। अच्छा पहले वो सिर्फ पिलर होते थे, तो अभी आई भी अब तार बन गई, तार बन गई है, नया दिन नई शुरुआत, और एक बहुत बहुत सुंदर जगह है, किशन जी की है, बहुत ही अच्छी जगह है, और सबसे बढ़िया बात रहने के लिए जैसलमेर फोर्ट के अंदर रह रहे हैं, और पूरा विंटेज लुक है, हमने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था और नहीं भी दिखाया होगा तो कोई बात नहीं, इस व्लॉग में भी हम आपको दिखाएंगे, प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, दुष्यंत जी मिलेंगे आपको, दुष्यंत जी के पास आइएगा, और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, रूम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आया, व्यू एक नंबर है, लेकिन आज का दिन बहुत लंबा है, आज हमने जाना है कोलकाता, उसके बाद हमने जाना है गादीसर लेक, गड़ीसर लेक जाना है, फिर देखते हैं थोड़ा बहुत सैंड ड्यून्स वगैरह के आसपास घूमने की कोशिश दोबारा से करेंगे, फोटोज थोड़ी अभी भी कम रह गई है, उसके बाद फोर्ट में थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, उसके बाद वी आर प्लानिंग की टाइम बचा तो वी मूव टूवर्ड्स जोधपुर, तो अपने किलोमीटर ओवरऑल भी कम हो जाएंगे और एक और नई जगह देखने को मिल जाएगी, वरना इतनी दूर वापस तो पता नहीं कभी आना होगा। थैंक यू सो मच सर, फिर जरूर अगर हम आए तो यहाँ जरूर आएंगे, और आप लोग आए तो जहाँ जरूर आना। So now let's get this video going and let's get this day started. तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक fascinating चीज़ दिखाता हूँ। Normally हम लोग क्या करते हैं, अपने relatives को invite भेजते हैं, या public को तो खैर कोई बुलाता ही नहीं है हमारे यहाँ, हम जब relatives को invite भेजते हैं, friends को भेजते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक कार्ड प्रिंट करा लो, या आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड चल रहा है, व्हाट्सएप वगैरह पे भेज दो, लेकिन यहाँ पे एक पब्लिक इन्विटेशन का बहुत ही अच्छा तरीका है, जहाँ तक मुझे पता है ये एक पब्लिक इन्विटेशन है, किसी की शादी हुई होगी कब, 7 दिसंबर 2015 की एक शादी है, जिसकी शादी के लिए पब्लिक को इनवाइट कराया जाता है यहाँ पे ऐसे घरों के बाहर एक कार्ड को पेंट करके, और इट इज़ ओपन टू एवरीबडी, वो कोई भी हो आ सकता है, खा सकता है, और उससे कोई नहीं पूछा जाएगा, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं करे जाएंगे, और ये जब तक रहता है जब तक एक नई शादी ना हो जाए और वो नया पब्लिक इन्वाइट ना कर दे, तो ये आपको जैसलमेर की स्ट्रीट्स पर बहुत जगह देखने को मिलेगा, दो मेरे पीछे हैं, एक इधर है देखो शुभ विवाह, ये डेट लिखी हुई है, ये सन चेतन जी ये लिखा हुआ है, सब कुछ पूरी ऐसी तरीके से होता है, इधर भी है उधर भी है, काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, सो दिस इज वन वेरी यूनिक थिंग विच वी नो। तो ये है महाराजा पैलेस, महाराजा पैलेस यहाँ पे देखने के लिए एंटीक चीज़ है, एंटीक हो गया और आपका सिटी का व्यू होगा, मजा आएगा। इट्स टाइम टू हैव सम जूस क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है यार। थैंक यू, चीयर्स। तो गाइस एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो हाथ है ये वाले और ये वाले, ये असली रानियों के हाथ का प्रिंट है, प्रिंट जो है। सती हुए थे, जो सती हुई थी रानियां उनके हाथ के प्रिंट है, इंटरेस्टिंग, और ये एम्बेडेड है स्टोन से, और ये पूरा महल इसमें कोई सीमेंट या कोई भी लोहा या कुछ भी नहीं लगा है, ये सिर्फ इंटरलॉकिंग से। नाइस, नाउ वी आर एंटरिंग। वन टाइम इसका यूज होता है, जो सियासन देख रहे हैं ना, कोरोनेशन थ्रोन, वन टाइम इसका यूज, नया राजा बनेगा जब ही सियासन पे बैठेंगे, रास्ते तक किया जाएगा, एक टाइम इसका यूज होता है। 15 जनवरी को, अभी 15 जनवरी को हुआ है, समझे ना, सीट पे तलवार रखा है, तलवार है मतलब राजा है, समझे ना, सीट को खाली नहीं रखे जाता, राजा का डेथ भी होता है ना तो पहले रास्ते तक होता है, बाद में उठती है, ये सीट खाली नहीं रखी जाती, समझे ना। ये जो है ना शहर सब बात का बसा हुआ है, जो नीचे वाला जो देख रहे हैं ना, सब बात का है, और अभी राजा देखो सामने वाला मीनार दिख रही है, डोम्स, वो है राजा, वहाँ रहते हैं अभी करंट में। अच्छा, भूल भुलैया लम्हे एक पहली लीला, उसी में जगह बनी है, उसी ये वाला डोम, क्या वो डोम जो आखिरी में दिखा, और यहाँ से वो रास्ता जाता है तन्नोट 120 किलोमीटर, 1971 में जो बम फेंका था ना वो वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है, एक भी बम नहीं फूटा था। सो गाइज नाउ वी आर इन द कुलधरा विलेज, जो अबैंडन्ड और हॉन्टेड विलेज है इंडिया का, यहाँ पे 84 विलेजेस थे जहाँ पे ब्राह्मण्स रहते थे 19th century या 13th century, पता नहीं बहुत पहले के टाइम बात है, और रातों रात ये सारे गांव खाली हो गए थे,
अब क्यों हो गए थे, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है इसके ऊपर। एक जो मुझे पता है कि किसी राजा को कोई यहाँ की किसी की बेटी पसंद आ गई थी, कुछ ऐसा था, कहीं पे ऐसा लिखा पड़ा है मैंने कि कोई पावरफुल नेता था जिसकी वजह से हुआ कि वो खाली करा देगा, उसको कुछ बनाना था, पता नहीं, जो भी है बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, लेकिन ये सारे रुइंस हैं। आप जहाँ जहाँ देखोगे ना सारे रुइंस हैं। एंड पता नहीं ये साइकोलॉजिकल होता है क्या होता है, एक ना भारीपन लगता है मेरे को, तो लग रहा है एक नेगेटिव एनर्जी होती है, मतलब हैप्पीनेस नहीं। सब इस पे नहीं बिलीव करते, बट जो बिलीव करते हैं, क्योंकि अभी तक ठीक चल रहा था, अभी जब हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा ऐसा ही है, पता नहीं अभी साइकोलॉजिकल है या जो भी है, जैसा भी है, बट फाइनली वी आर हेयर ऑलमोस्ट। ये हम मिस करने वाले थे। ओके, तो जैसलमेर की गलियों से निकल के हम सीधा आ गए हैं जोधपुर के बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर शहर में, जहाँ पे हम ले रहे हैं एक और एयरबीएनबी, इनफैक्ट ले चुके थे रात में एयरबीएनबी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल होम स्टे, और नीचे देखोगे हमारी कार पार्क्ड है, बहुत 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 ही सुंदर और बहुत ही सूदिंग एक प्रॉपर्टी है ये, एंड इट इज़ जस्ट नियर द फोर्ट। बट लेट्स सी अभी हम फोर्ट जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट है 10 बज रहे हैं, तो हमें दिल्ली भी निकलना है, यहाँ से भी मेरे ख्याल से 10-11 घंटे का रास्ता है, 600-700 किलोमीटर अभी भी बचता है, प्लस आज बहुत लंबा दिन होने वाला है, बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, लेकिन ये पूरी जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रही है हमारी, क्योंकि जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, इनफैक्ट किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप एक मिनी हैच को लेके 1500 किलोमीटर की वन साइडेड राइड करेंगे और वापस जाएंगे, टू एंड फ्रो करेंगे विद टू फैमिलीज इनसाइड कैरिंग द लगेज। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल अचीवमेंट फॉर आस बिकॉज वी ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड बहुत ही कम्फर्टेबली हमने किया, एंड ऑल्सो द कार परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। सो बिग थम्स अप टू मिनी इंडिया एंड बर्ड ऑटोमोटिव डेली फॉर यू नो जस्ट हेल्पिंग अस थ्रू द जर्नी एंड यू नो जस्ट हेल्पिंग आउट विद दिस कार, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ आर चैनल्स। इस चैनल पर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, उस चैनल पर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, तो देसी कपल्स को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड इंस्टाग्राम पर बहुत सुंदर सुंदर फोटोज रील्स देखने को आपको मिलेंगी, और अभी मैं आपको फटाफट से एक बार प्रॉपर्टी का एक ट्रिप दे देता हूँ, टूर दे देता हूँ, देन यू डिसाइड कि प्रॉपर्टी सच में अच्छी थी या सिर्फ मैं बोल रहा था। लेट्स गो। तो आप बच्चे के साथ बच्चे क्यों बन गए हैं? देखिए ट्रिप खत्म होते होते ऐसा ही होता है, हम घर जाएंगे, रोज की मारामारी में भी है ना बिजी हो जाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरीके से। चीयर्स, बाय बाय।